ये चौपाल जो आज लग रहा है, ये चौपाल जब चाहे तब हम लगा सके, वैसे हम लोगों को संगठन बनाना पड़ेगा। हम लोगों का संगठन उतना मजबूत नहीं है अपने जिले में। हम खुल के बोलेंगे, कुछ बात बेबाकी से बोलने में हमें कोई ये नहीं है, क्योंकि संगठन हमारा बहुत मजबूत नहीं है। संगठन में क्या होता है नहीं होता है हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिल पाती। आज का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम दरअसल पहले से तय था, आज से 15 दिन पूर्व से, कि ये कार्यक्रम शनिवार के दिन होना था, यानी कल, क्योंकि आपका कार्यक्रम होना था तो हम लोगों ने एक दिन अपने कार्यक्रम को बढ़ा लिया, नहीं तो हम लोग का कार्यक्रम कल भी, हम लोग यही कार्यक्रम था। ये स्थिति है कि हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। परसों अध्यक्ष जी ने मुझसे जानकारी लिया, उन्होंने बताया कि कुछ कुछ काम है जो पार्टी से संबंधित, तो बस प्रभारी मंत्री आ रहे थे तो हमें लगा कि हमें पूछ लिया जाता है, अन्यथा पूरे बिहार में जमुई एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ की जनता दल के कार्यालय में सिर्फ हमारा फोटो नहीं लगता है, पूरे पूरे बिहार में। ये बड़ा खेद का बात है, खेद का विषय है। हमने भी से एक सप्ताह पूर्व ये बात मुख्यमंत्री को भी कहा, और हम आपको बता दें, आज का ये जो भीम चौपाल हो रहा था, जब इसका नाम दिया गया तो बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो ये पूछ रहे थे कि आखिर भीम चौपाल में आप क्या करेंगे। तो उन सभी साथियों को हम बता दें कि सुमित सिंह एकमात्र एक ऐसा शख्सियत है इस जिले में जो जिस जाति के बीच में कहिएगा, जिस धर्म के बीच में कहिएगा, सुमित सिंह अपनी मौजूदगी में हमारे लिए कोई जाति और दबाव नहीं है। हम अपने आप को महाराणा के वंशज मानते हैं, तो महाराणा के रास्ते पे चलते भी हैं। महाराणा का सूबेदार कौन हुआ करते थे? हाकिम खान सूरी, मन्ना सरदार, भील आदिवासी, सब उनके सहयोगी, सब उनके साथी हुआ करते, लोहार, विश्वकर्मा, जो कायस्थ विश्वकर्मा होते, ये सब उनके फौलादी साथी हुआ करते थे। आज मैं आपको बता दूं, मैं इस मंच के माध्यम से, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे स्वजाति की आबादी कितनी है? 7 से 8 हजार। उसके बाद हम वहां से निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, इसलिए कि कोई जाति और यही अनुमान पूरे जिले में है। पूरे जिले में हमारी स्थिति यही है, हम लोग अपने जिले में कभी जात और धर्म देखकर काम नहीं किए हैं, किसी दल को देखकर काम नहीं किया। जो साथी सम्मान देता है, हम तो जमात की राजनीति करते हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये आजादी से पूर्व का बोया हुआ बीज है। हमारे दादा स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह आज हम लोगों के बीच में नहीं है, मेरे पिता आज हम लोग के बीच में नहीं है, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर सिखाया था, जब कभी कोई आपके साथ आए, जो आपके साथ जुड़े उसी को अपना जात मानो, जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा जात है। आप लोगों से हम यही कहेंगे कि दल को मजबूती दें, और आप सभी साथियों से कहेंगे कि आप लोग भी नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि अभी का जो समय है बड़ा उल्टा समय है, तरह तरह की बातों को पढ़ाया जाएगा, कभी गणेश जी दूध पी लेंगे, कभी हनुमान जी लड्डू खा लेंगे, वो समय आ रहा है, चुनावी समय है। इसलिए चुनावी समय में हम आपको भी कहेंगे, आपको भी आगाह कर रहे हैं कि सावधान आपको भी रहना है, और अपने दल को भी हम कह रहे हैं कि चुनाव का समय आ रहा है तो आपको भी सावधान रहना है कि कैसे हमारा दल मजबूत हो, कैसे संगठन मजबूत हो। और संगठन चलता है विनम्रता से, सहयोग से। हम आप सब एक मिलकर अगर संगठन चलाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा संगठन मजबूत होगा, और जब हम लोग संगठन मजबूत करेंगे, जब संगठन के सभी सहयोगी एक होकर काम करेंगे, तो हमारे नेता नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा। और आप सबसे मैं आपको कहता हूं कि अपने नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है, आप लोग सब साथ देंगे ना? नीतीश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग को यहां से लेकर पटना क्या, अगर दिल्ली पर भी चढ़ाई करनी पड़ेगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, है ना सब तैयार? नहीं, तो ये पूरी फौज आपके साथ है और नेता नीतीश कुमार जी के साथ है। हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग यहाँ के जो लोग हैं, इनका संदेश जरूर हमारे नेता तक पहुँचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर